जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC GT 2021 के बारे में, क्योंकि सरप्राइज़ पे सरप्राइज आप बच्चों को मिल रहा है। काफ़ी यूट्यूबर बोल रहे थे कि इस डेट से होगा, लेकिन सारे SSC ने सारे गणित फेल कर दिए सभी के। क्योंकि अब देखिए 25 मार्च से बोल रहे थे सब कि 25 मार्च से ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन 25 मार्च को सरकारी result.com ने लिंक तो दिया लेकिन वो एक्टिवेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद अथॉरिटी नहीं है। जब तक SSC अपनी तरफ से कोई लिंक जनरेट नहीं करेगी, इशू नहीं करेगी, तब तक कोई भी, मैं हूँ या अदर यूट्यूबर, कोई कुछ नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपनी वाहवाही लेटर लूट रहे हैं कि मैंने ये कहा था, वो कहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा था। सब ने बिल्कुल गलत न्यूज़ दी थी कि 25 तारीख को जनरेट होने वाला है, लेकिन उन्होंने ये सारी न्यूज़ दी थी कैलेंडर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ऑफ SSC जो उन्होंने इशू किया था कि हम 25 मार्च से इस डेट तक आपका जनरेट कर देंगे ये सब। तो ये तो सब बात हो गई SSC की जो प्रीवियस हो गई। अब आगे क्या है, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो देखिए आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है कि एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो वायरल हो रहा है। वो है कि आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा या आपका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से इशू होंगे, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है। सब अपना अपना लोगो लगा के उसको वायरल कर रहे हैं कि कब से क्या होने वाला है, और किसी को कुछ नहीं पता है। वो है भी फैक्चुअल है क्योंकि कहीं पे भी साइड पे नहीं है, अपनी तरफ से वायरल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है 25 तारीख से क्यों नहीं आया, या ऐसा अब कब से स्टार्ट होने वाला है, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरा नाम है पंकज चौधरी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लेटेस्ट न्यूज़ आपको देते रहते हैं नई नई रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि 25 तारीख से ये न्यू नोटिफिकेशन आपका इशू नहीं हुआ। तो देखिए दो आज बड़ी ब्रेकिंग आई थी कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पेपर की, न्यूज़पेपर की क्लिप वायरल हो रही है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो डाटा था वैकेंसी को लेके कि कितनी वैकेंसी इशू होने वाली है, कितनी वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आएगा, वो क्लियर नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख के जो कितने वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, कितने फोर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं। कितना डाटा हमारे पास कलेक्ट नहीं हो पाया है कि वहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट होने वाला है। आप सब जानते हैं कि J&K के सिचुएशन कभी भी नॉर्मल नहीं हुई है, अभी भी वहाँ पे टेंशनबाजी रहती है, आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, हमारे जवान साथी वहाँ पे कैजुअल्टी होती रहती है, मैटियाट होते रहते हैं। तो उसमें एनालाइज कर रहे हैं कि कितना हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो एक तो ये हो गया कि उन्होंने लिखा था टोटल प्रूपर, मैं बता देता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि ड्यू टू सर्टेन रीजन कि वहाँ पे लद्दाख और J&K में हम ये डाटा हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पे हमें कितनी इन्फोर्समेंट की अभी ज़रूरत है, कितने हम वहाँ डिप्लॉयड करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो भी बच्चे आएंगे इस बच्चे वैकेंसी को कितना लंबा खींचने वाला है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आने वाली थी ये आने वाली थी 2019-20 की, जो बच्चे अभी जा रहे हैं वो 2018 वाली थी, ना 19 में आई ना 20 में आई, अब ये बच्चे कब जा रहे हैं 21 में। अब आप कुछ भी कह सकते हैं कि कोरोना है, ये है, वो है, कुछ भी बता दो, लेकिन बच्चों के साथ तो गलत हुआ। रिलैक्सेशन की बात चल रही है, रिलैक्सेशन देंगे सिर्फ एक साल का, दिया तो दिया, वरना अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, ये हवाबाजी चल रही है कि एक साल दे दिया, दो साल दे दिया, 50 साल दे दिया, कुछ नहीं हुआ है अभी। जब तक आप इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता आप नहीं मान सकते, ट्विटर के बेस पे आप नहीं कह सकते कि इनको एक साल का दिया है, दो साल का दिया है, चार साल का दिया है। तो ये तो बिल्कुल बकवास मानी जाएगी कि बच्चों को एक साल की रिलैक्सेशन दे दी गई है। लेकिन अब आगे क्या, तो यूनियन टेरिटरी की वजह से आपको क्लियर नहीं कर पाए थे कि हम वैकेंसी कितनी देने वाली हैं। दूसरा एक वायरल हो रहा है, कटिंग हो रही है, ये भी SSC की ऑफिशियली से बोल रहे हैं सब कि हमें एक्सक्लूसिव मिला है, हमें एक्सक्लूसिव मिला है, सबको एक साथ मिला है और सभी का एक्सक्लूसिव है। उसमें क्या है, उसमें आपकी डेट दी हुई है कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से मार्केट में आने वाला है, कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, वो डेट क्या है, वो टेंटेटिव डेट है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे पा रहा है, लेकिन बच्चों को क्लियर करना ज़रूरी है कि ये डेट क्या है। तो ये जो डेट है ये है 1/6/2021, जी हाँ 1/6/2021, और लास्ट डेट होगी 30/6/2021, यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसको भी। तो इसमें डेट दी हुई है 1/6 से 30/6 तक रहेगा। पेमेंट करने की आपको भी पता है कि जैसे ऑनलाइन होता है उसके बाद भी हम 2-4 दिन तक पेमेंट जो है हम कर सकते हैं। इसमें पेमेंट इन्होंने क्या रखा है, 2/7/2021,
2 जुलाई 2021 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अदर रीजन दे रखा है कि आपका एग्ज़ाम कब क्या होगा, ये होगा, लेकिन कोई भी बार बार उसको नहीं बता रहा है डिफाइन करके कि सही से कि ये ऑफिशियली है या नहीं है। ऊपर लाइन पड़ी हुई है कि ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन पढ़ने वाला है साइट पे, ये 1/6/2021 को डलेगा। अब ये डलेगा तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये वायरल कहाँ से हो रहा है, या उसमें कोई करेक्शन आने वाली है? ये मैं फिर बता दूँ कि जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ये वैलिड नहीं है, ये एक टेंटेटिव है। अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये SSC की ही है, लेकिन ये टेंटेटिव है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसके बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यही होने वाला है। अब आपके लिए इसमें क्या है, देखिए अभी 25 मार्च से नहीं हो रहे हैं, ये क्लियर हो गया है सभी ने, इस पर दुनिया भर की आप यूट्यूब पर देखेंगे वीडियो पड़ी हुई है। भ्रमित ना हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, कभी भी आएगा आप अपने में ऐसा तैयारी रखिए कि मेरे को भारत माता की सेवा करनी ही करनी है, मेरे को किसी से और कोई मतलब नहीं है। आप हाँ न्योलिज रखिए, हर जगह क्या मार्केट में चल रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ तैयार रखिए, लेकिन अपनी तैयारी विशेष तौर से करिए। कल को कभी भी आ जाए आपको पछताना ना पड़े कि यार 2 महीने का टाइम और मिल जाए, 1 महीने का टाइम और मिल जाए। तो जो भी आपकी कमी है, जो भी अभी कमी पेशी है, उस पर लग जाइए जम के, अपना चार्ट बना लीजिए कब तक आपका होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। अगर आपको किसी मेडिकल प्रॉब्लम में है तो मेडिकल प्रॉब्लम, अगर मान लो आपको कोई फंक्शनल डिस्टॉर्शन है या कुछ अदर रीजन है, आपको कोई भी बीमारी है, उसका इलाज कराइए प्रॉपर। अगर आप जब तक मेडिकल आएगा तब तक आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो जो जो आपकी पॉइंट आउट कर लीजिएगा, जो जो आपकी कमियाँ हैं, जो जो आपकी कमी पेशी हैं, उनको पॉइंट आउट कीजिएगा, उनको रेक्टिफाइड कीजिएगा। आपका चाहे मैथ में हो, रीजनिंग हो, GK हो, जिस भी फील्ड में आप कमज़ोर हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है, उसको प्रॉपर कर लीजिएगा। कोई भी आपको SSC GD को लेकर भ्रमित नहीं होना है। 2018 की वैकेंसी थी, अब आई है, कितना टाइम लग गया। तो ये जो वैकेंसी आने वाली है ये आपका लास्ट होना चाहिए कि ये तो मैं लेकर रहूँगा, ये मेरा लास्ट सिलेक्शन होने वाला है और पक्का है कि मैं भाई इसमें तो जा रहा हूँ, कोई मेरे को रोकने वाला नहीं है। किसी से भ्रमित ना हो कि आपकी यार तेरे तो रिटर्न खराब है। यार क्यों खराब है, तो ठीक करेंगे तैयारी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ाई पे फोकस रखिए बिल्कुल बढ़िया करके, अपना फिजिकल बढ़िया करिए। मेडिकल में कोई दिक्कत है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, किसी की बेकार की बातों में ना पड़े। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है आपकी ये है कि आपका जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है वो 1/6/2021 से 30/6/2021 के बीच में आपकी टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन फिलअप करने की। उसके बाद जैसे भी कोई चेंजिंग आता है या कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, कोई भी अगर SSC GD या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज से रिलेटेड आती है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।